हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। चीन पर भारत ने जो डिजिटल स्ट्राइक की है उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब खुद पीएम मोदी भी जुट गए हैं। मोदी ने आज चीनी ऐप वीबो से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। वीबो ट्विटर की तरह माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। वीबो अकाउंट से आज अचानक पीएम मोदी की तस्वीर हटा दी गई, लेकिन वीबो पर बने वीआईपी अकाउंट्स को छोड़ने के नियम थोड़े पेचीदा है, लिहाजा आधिकारिक प्रक्रिया के तहत मोदी के अकाउंट से सारे पोस्ट डिलीट करने की कोशिश की। मोदी ने कुल 115 पोस्ट किए थे और दिलचस्प यह है कि 113 पोस्ट तो आसानी से डिलीट हो गए, लेकिन दो पोस्ट उनको डिलीट करने में मुश्किल आई, क्योंकि उन दो पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ तस्वीरें थी, जबकि किसी चीनी वेबसाइट से उनके राष्ट्रपति के फोटो को डिलीट करना मुश्किल है। इसके बाद बाकायदा परमिशन ली गई, तब जाकर सारे पोस्ट डिलीट हुए। वीबो पर पीएम मोदी ने साल 2015 में अकाउंट शुरू किया था जब वो चीन के दौरे पर थे। वीबो पर मोदी के 2,44,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन अब ये कहानी खत्म हो चुकी है और ये सब हुआ लद्दाख में चीन के कब्जे वाली सोच की वजह से। 69 चीनी एप्स को भारत ने बैन कर दिया है, इसमें पॉपुलर ऐप टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक भारत में कितना पॉपुलर था और उसे बैन करने का क्या असर दिख रहा है, आप इस रिपोर्ट में जानिए। देश सबसे ऊपर है, टिकटॉक बंद हुआ है मगर टैलेंट तो जिंदा है। टिकटॉक ने छोटे छोटे गांवों में बैठे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया। इंदौर के मानपुर के साधारण से घर में रहने वाली ममता को भला कौन पहचानता, लेकिन अपने एक कमरे के घर में ही ममता खिड़की पर इस तरह फोन सेट करके वीडियो बनाने लगी और टिकटॉक पर हिट हो गई। मनोरंजन के सफर से शुरू हुआ सिलसिला 10,00,000 फॉलोअर्स तक पहुंच गया। वो 1,000 वीडियो अपलोड कर चुकी हैं, लेकिन ममता को टिकटॉक बंद होने का गम नहीं, क्योंकि इसमें देश छिपा है। अगर चाइनीज ऐप बंद होता है और हमारे देश के विरुद्ध है ये चीज और गवर्नमेंट इसका समर्थन कर रही है कि इसे बैन हो जाना चाहिए, तो हो जाना चाहिए, क्योंकि हम भी जिस देश में रह रहे हैं उन्हीं का खा रहे हैं और हम हमारे देश के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। इसे जानने के लिए ये आंकड़ा देखिए। मोबाइल ऐप इंटेलिजेंस पर काम करने वाली एजेंसी सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मई तक 5 महीनों में टिकटॉक को 55 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। 16 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स सिर्फ भारत में किए गए। भारत में अब तक 61 करोड़ से ज्यादा बार टिकटॉक डाउनलोड किया जा चुका है। टिकटॉक डाउनलोड करने वाले हर 3 में से 1 यूजर भारतीय हैं। यही वजह है कि 2016 से 19 तक गूगल प्ले स्टोर पर सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली एप्स में व्हाट्सएप पहले नंबर पर था, लेकिन 2020 की पहली तिमाही में टिकटॉक पहले नंबर पर आ गया। इतनी ज्यादा लोकप्रियता का नतीजा ये है। प्रतीक ने एबीपी न्यूज से बातचीत में टिकटॉक के काम करने के तरीके और इसके बिजनेस मॉडल का पूरा गणित समझाया। एक टाइम ये था कि ब्रांड्स होर्डिंग्स पे रहते थे, टेलीविजन एड्स में रहते थे और इससे बहुत सस्ते में उनको इन्फ्लुएंसर्स मिलने लग गए। बट ये टाइम टू टाइम ऐसा होने लगा था इन्फ्लुएंसर्स के रेट बढ़ते जा रहे थे। आज की रेट में आज एक आई गेस 25-30 मिलियन का इन्फ्लुएंसर जो हो गया वो 2,00,000 से नीचे कोई वीडियो नहीं लेता, 2,00,000 रुपए लेता है एक वीडियो बनाने का सिर्फ, एंड उसके बाद वो महीने की कम से 15-20 वीडियो बनाते हैं। तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 45-50 lakhs पर मंथ। बट आई थिंक द ग्रेट अपॉर्चुनिटी कैन बी कम विद गुड एप्स मेड बाय इंडियंस। इफ इंडियंस कैन, एंड देवयानी रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज एनकरेज लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजिकल माइंड, यंग बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज मेक गुड एप्स।